अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैर खैरियत होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों की तमाम मुश्किल और परेशानी और टेंशन को दूर करें, आमीन सब आमीन। तो आज मेरी मामा लाई थी सब्जी और हम बना रहे हैं सब्जी। इसमें थी मटर, मेथी, आलू और गोभी। तो अभी हम बनाने की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर हमने ज़ीरा और लहसुन वगैरह डाल दिया और बस बना रहे हैं। तो मैं आप लोगों के साथ एक स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। वो स्टोरी है एक बुज़ुर्ग खातून की जो कि मेरे ख्वाब में आई और आके कहने लगी कि तुम सब्ज़ी क्यों नहीं बनाती हो। तो फिर मैंने कहा क्यों ना सुबह उठ के सब्ज़ी बना ली जाए। ओके, दैट्स वाज अ जोक। ओके जी, यहाँ पे आ गई है नानी घर से बिरयानी और मैं खा रही हूँ बिरयानी। बहुत मज़े की थी बीफ बिरयानी। और यहाँ पे अब हम जा रहे हैं बाज़ार में और मामा, यहाँ पे मैं अपना अबाया पहन रही हूँ। और ओके जी, यहाँ पे मैं पहनने लगी हूँ अपना अबाया और यहाँ पे मैं अबाया पहनते हुए दिखा रही हूँ कि मैं कैसे पहन रही हूँ अबाया। और इस अबाया की भी एक बहुत अच्छी कहानी, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इस अबाया के रिलेटेड आपको कहानी बताऊँ तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएँ कि मैं इसके बारे में आपको कहानी बताऊँ या नहीं बताऊँ। ये मैंने लिया था, चलो मैं बता ही देती हूँ छोटी मोटी कहानी आप लोगों को कि इसके पीछे भी एक स्टोरी है कि मुझे ये अबाया लेना नहीं था लेकिन मैंने ले लिया था। और जब लिया तो भाई लोग पूछने लगे वाह वाह भाई वाह, कितना प्यारा अबाया है, कहाँ से लिया, क्यों लिया। फिर मैंने उनको डिटेल वगैरह दी और बहुत रिजनेबल प्राइस में मिल चुका था ये मुझे। ये मैंने लिया तो उम्रे पे जाने के लिए था। और आप लोग सब दुआ करें कि हम लोग उम्रे पे जाएं और हमें जाना भी चाहिए और हमारा दिल भी करता है जाने के लिए। तो आप लोग सब दुआ करिएगा कि हम लोग उम्रे पे जाएं। और यहाँ पे बस हम अबाया पहन ही रहे हैं और अब हम जाएंगे बाज़ार। तो भाई उम्रे पे जाना था लेकिन हम जा नहीं पा रहे और हमें दुख है इस बात का। अल्लाह पाक सबको लेके जाए और अल्लाह के आगे किसी की नहीं चलती। और अल्लाह चाहे तो हम लोग जा भी सकते हैं। तो आप लोग प्लीज़ बहुत सारी दुआएं करें कि हम हमारी पूरी फैमिली और सब लोग की जो है ना हज उम्रा करें। वो इसलिए नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा मनी पैसे वैसों का भी इशू चल रहा है घर में ना। तो इस वजह से अभी हम लोगों ने कैंसिल कर दिया, पोस्टपोन कर दिया और इतना महंगा भी हो गया, इस वजह से अभी हम लोग नहीं जा पा रहे हैं। तो आप लोग प्लीज़ दुआ करिएगा हम लोगों के लिए कि हम लोग उम्रा कर आएँ पूरी फैमिली। तो जी, यहाँ पे मैंने अब अपना हिजाब भी बांध लिया और मैंने दिखाया कि मैंने कैसे ना अपना मास्क पहना है। और अबाई कहानी यही थी। और मैंने जब ये लिया था अबाया तो मैंने कहा था कि मैं एक दो और ऐसे लूँगी उम्र पे जाने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। बस सब जो होगा देखा जाएगा, अल्लाह मालिक, अल्लाह बुलाएगा तो क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि जाते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, ऐसे कोई भी नहीं जा सकता। बुलावा वहाँ से आना चाहिए, यहाँ से तो खुद ही डोर खिंच जाइए वाली। तो जी, अब हमारी खाला जा रही है उम्र पे, अल्लाह ताला उनको सही सलामत खैर खैरियत से लेके जाए और लेकर आए और उनकी दिली मुरादें पूरी करे, आमीन सुम्मा आमीन। और जो भी जा रहे हैं अल्लाह पाक उन्हें साथ खैरियत से लेके जाए और साथ खैरियत से लेकर आए, यही दुआ है। और बस अब हम लोग निकल रहे हैं अपने बाज़ार जाने के लिए। और जो जो तरह का मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। यहाँ पे मैं ऑलमोस्ट रेडी होकर डन होकर खड़ी हो चुकी हूँ और अब मैंने भी स्पीड पकड़ ली है बोलने की, क्योंकि बोलने वालों का ही काम है, चुपचाप रहने वालों का काम बिल्कुल भी नहीं है। और अब मैंने बोलना शुरू कर दिया और यहाँ पर अब हम लोग निकल रहे हैं और यहाँ पर हम लोग पहुँच गए हैं। हम लोग काम से आए थे बैंक, अब बैंक से हम लोग जा रहे हैं घर पे। और इसकी सीढ़ियाँ मुझे अच्छी लग रही थी तो मैंने वीडियो बना ली है। और यहाँ पे मम्मा चल रही हैं और मैं मम्मा के पीछे पीछे, अब मम्मा जा रही हैं तो मैंने कहा मम्मा को भी थोड़ा सा दिखा दूँ, मम्मा से थोड़ा सा उतरने में मसला होता है। यहाँ पे हम पकौड़ों की दुकान पर आ गए जलेबियाँ लेने के लिए और मम्मा ने कहा मुझे जलेबी वो पकौड़े दिला दो, मैंने कहा ले लें। फिर हम लोग आ गए लस्सी पीने के लिए और गर्मी स्टार्ट हो गई तो मैंने कहा मम्मा लस्सी, मम्मा ने कहा क्यों नहीं लस्सी मैं आपको पिलाऊंगी। तो हम मीठी लस्सी पी रहे हैं और अंकल लस्सी बना रहे हैं, लस्सी यहाँ पे मिलती है और अच्छी मिलती है, मलाई वाली लस्सी। और आप भी बिल्कुल विजिट करिएगा, यहाँ पे लस्सी बहुत VVIP मिलती है और अच्छे दामों में मिलती है और अच्छी क्वालिटी में मिलती है। और यहाँ पे हम लोग वापस जाते हैं, हमारे कोटरी के फ्रूट्स VVIP वाले फ्रूट्स लगे हुए हैं यहाँ पर और अच्छे प्राइस में मिल जाते हैं और फ्रेश फ्रूट्स होते हैं। तो भाई ठेले वालों से भी ज़रूर लिया करें, ज़रूरी नहीं है मार्ट और ऐसी जगहों से लें, ठेले वालों को भी हक होता है, पहले ठेले वालों से देखा करें फिर मार्ट वगैरह जाया करें। तो क्योंकि हम लोग भी ले लेते हैं भाई, अच्छी बात है लेना चाहिए, सबकी रोज़ी बंदी भी होती है, नहीं कि ये लोग, क्योंकि घर जाके तो हमें ये चीज़ धोखे खानी है ना, तो हमें ले लेना चाहिए। और बहुत सारे गैजेट भी चल गए जम्स निकालने के लिए। और ये लोग यहाँ से हम लोग जा रहे हैं बाबा जलालुद्दीन का मज़ार है, कभी विज़िट करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे इसको भी।
और यहाँ पे देखें कैसा मेरा अबाया उड़ रहा है। इसी के साथ कर दीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर। ये मेरी मनी लाई है अपने घर से बनवा के सिंधी कढ़ाई की कमीज़, और ये मुझे दिखा रही है, मुझे बहुत प्यारी लगती है। और यहाँ पे मेरे को कोई करके नहीं दे रहा है सिंधी कढ़ाई, और बहुत अच्छी लगती है मुझे सिंधी कढ़ाई। तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कैसे करी है, बहुत प्यारी करी मेरी मानी की बहन ने सिंधी कढ़ाई। तो भाई ऐसी खाला भी होनी चाहिए जो कढ़ाइयाँ कर करके बच्चियों को पहनाएं। मेरी किसी भी खाला को कढ़ाई करनी नहीं आती है, ना मेरी मामा को आती है। तो मुझे बड़ा शौक है कि मुझे भी कोई कढ़ाई करके दे और मैं पहनूं, लेकिन मेरी मामा ने पहनाया मुझे कपड़े। ओके जी, यहाँ पे मैं कमीज़ देख रही हूँ, और यहाँ पर मेरे भाई जो हैं वो जूस पी रहे हैं। इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा, दुआ में रखिएगा बहुत सारा याद। और ये बिल्कुल इसका कचूमर वचूमर निकाल लेंगे और बिल्कुल इसको पैसे वसूल करके पियेंगे। और यहाँ पर हम खाने में बल, अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय।